नमस्ते और स्वागत है। आज हम कुंडलिनी ऊर्जा, सात चक्र और उनकी भावनाओं पर प्रभाव का गहन अन्वेषण करेंगे। कुंडलिनी एक गुप्त और दिव्य शक्ति है जिसे हमारे शरीर के अंदर गहरे में बसा माना जाता है। यौगिक परंपरा के अनुसार कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ के मूल में स्थित होती है और इसकी ऊर्जा का उद्दीपन होने पर ये हमारे जीवन में संतुलन, आध्यात्मिकता और जागरूकता को जागृत कर सकती है। चक्र, जिन्हें संस्कृत में पहिया कहा गया है, ये हमारे ऊर्जा केंद्र हैं। शरीर में कुल सात प्रमुख चक्र होते हैं जो हमारे भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ये चक्र न केवल हमारी ऊर्जा को संतुलित करते हैं बल्कि हमारी भावनाओं से भी गहराई से जुड़े होते हैं। शरीर के इन सात प्रमुख चक्रों में प्रत्येक का एक निश्चित स्थान, रंग और भूमिका होती है। आइए इनका संक्षिप्त परिचय लेते हैं। मूलाधार रूट चक्र रीढ़ के सबसे नीचे स्थित, यह हमें सुरक्षा, स्थिरता और जड़ों का भाव देता है। स्वादिष्ठान सेक्रल चक्र नाभि के नीचे यौन अंगों के पास, रचनात्मकता और कामुकता का केंद्र। मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र नाभि के पास, हमारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा। अनाहत हार्ट चक्र हृदय के पास, प्रेम और करुणा का केंद्र। विशुद्ध थ्रोट चक्र गले में स्थित, संवाद, सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र। आज्ञा थर्ड आई चक्र माथे के बीच, अंतर्ज्ञान और ज्ञान का केंद्र। सहस्रार क्राउन चक्र सिर के शीर्ष पर, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड से संबंध का प्रतीक। प्रत्येक चक्र अपने आप में एक पूर्ण इकाई है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। इन चक्रों का हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। प्रत्येक चक्र से संबंधित भावनाएं होती हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र से सुरक्षा और अस्तित्व की भावना जुड़ी होती है। जब यह संतुलित नहीं होता तो व्यक्ति में असुरक्षा और भय महसूस हो सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र का भावनाओं और रचनात्मकता से संबंध होता है। असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर सकता है। मणिपुर चक्र आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का केंद्र है। असंतुलित होने पर यह तनाव और गुस्से का कारण बन सकता है। अनाहत चक्र प्रेम और करुणा को जागृत करता है। इस चक्र में असंतुलन होने पर व्यक्ति अलगाव और असहायता महसूस कर सकता है। विशुद्ध चक्र व्यक्ति की अभिव्यक्ति और सत्य को दर्शाता है। असंतुलित होने पर व्यक्ति भय या संकोच महसूस करता है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और स्पष्टता को बढ़ाता है। इसका असंतुलन भ्रम और भ्रमित अवस्था का कारण बन सकता है। सहस्रार चक्र आत्मज्ञान और उच्च स्तर की आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका असंतुलन मानसिक अशांति और अलगाव का कारण बन सकता है। कुंडलिनी का उद्दीपन एक जागरूकता की यात्रा है जिसमें यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न चक्रों से होकर ऊपर उठती है। कुंडलिनी ऊर्जा हमारे जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकती है। यह न केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी जागरूक बनाती है। इसका जागरण हमारी भावनाओं को संतुलित करता है, हमें गहरे से जोड़ता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति देता है। एक मूलाधार रूट चक्र, यह चक्र शरीर के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित होता है। इसे लाल रंग से प्रतीकित किया गया है और यह हमारी भौतिकता, अस्तित्व और सुरक्षा का प्रतीक है। मूलाधार चक्र से हमारी धरती से जुड़ाव की भावना और अपने अस्तित्व के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। भावनात्मक प्रभाव, जब मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति सुरक्षित, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करता है। इससे हमारे जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। लेकिन जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति में भय, असुरक्षा और भौतिकता पर अत्यधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। असंतुलित मूलाधार चक्र के कारण व्यक्ति जरूरत से अधिक चिंता, अवसाद और मानसिक अस्थिरता का अनुभव कर सकता है। संतुलन कैसे पाएं? ध्यान और प्राणायाम। मूलाधार चक्र के लिए सांस को स्थिर करते हुए जड़ से जुड़ने का अभ्यास करें। मंत्र लम, मंत्र का जाप करना सहायक होता है। संगीत और ध्वनियां, गहरे स्थिर करने वाले संगीत का आनंद लें, जैसे ड्रम बीट्स। दूसरा स्वाधिष्ठान सेक्रल चक्र, यह चक्र नाभि के नीचे यौन अंगों के पास स्थित है और इसे नारंगी रंग से प्रतीकित किया गया है। यह चक्र रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और हमारे आनंद की भावना का स्रोत है। भावनात्मक प्रभाव, जब स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है
तो व्यक्ति अपने रचनात्मक और भावनात्मक पक्ष से जुड़े होने का अनुभव करता है। व्यक्ति उत्साह, आनंद और संबंधों में संतुलन महसूस करता है। लेकिन जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति असंतोष, क्रोध और अत्यधिक संकोच महसूस कर सकता है। यह असंतुलन किसी व्यक्ति के रिश्तों में नकारात्मकता या भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है। संतुलन कैसे पाएं? आसन, तितली आसन और अन्य कूल्हे खोलने वाले आसनों का अभ्यास करें। मंत्र वम का जाप स्वाधिष्ठान चक्र के लिए लाभकारी होता है। आहार संतुलन बनाए रखने के लिए पानी और नारंगी रंग के फल जैसे संतरा का सेवन करें। 3. मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र, यह चक्र नाभि के पास स्थित होता है और इसे पीले रंग से प्रतीकित किया गया है। इसे हमारी आत्मशक्ति, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र माना गया है। भावनात्मक प्रभाव, मणिपुर चक्र के संतुलित होने पर व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव प्रबल होता है। यह हमारे आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यदि यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी, शर्मिंदगी और गुस्से जैसी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। संतुलन कैसे पाएं? ध्यान और आहार अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पीले रंग के भोजन जैसे कि केला और अनानास का सेवन करें। मंत्र रम का जाप मणिपुर चक्र को संतुलित करने में सहायक होता है। अभ्यास सूर्य नमस्कार जैसे ऊर्जावान योगासनों का अभ्यास करें। 4. अनाहत हार्ट चक्र हृदय के पास स्थित यह चक्र हरे रंग से प्रतीकित होता है और इसे प्रेम, करुणा और आत्मीयता का केंद्र माना गया है। भावनात्मक प्रभाव, जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति दयालु, करुणामय और शांतिपूर्ण अनुभव करता है। इसका असंतुलन व्यक्ति को अलगाव, घबराहट और उदासीनता की ओर धकेल सकता है। यह चक्र ही व्यक्ति को दूसरों से जोड़ने का काम करता है और असंतुलन के कारण व्यक्ति को आत्म केंद्रितता और क्रोध की प्रवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। संतुलन कैसे पाएं? योग और ध्यान हृदय खोलने वाले आसनों का अभ्यास करें। मंत्र यम का जाप इस चक्र को संतुलित करता है। आहार हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे रंग के फल हृदय चक्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। 5. विशुद्ध थ्रोट चक्र, गले में स्थित यह चक्र नीले रंग का होता है और इसे सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र माना गया है। भावनात्मक प्रभाव संतुलित होने पर व्यक्ति स्वतंत्रता और ईमानदारी से अपनी बात कह सकता है। यह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और दूसरों से संवाद करने की क्षमता को मजबूत करता है। असंतुलन होने पर व्यक्ति को झूठ बोलने की प्रवृत्ति, भय और घबराहट का अनुभव हो सकता है। संतुलन कैसे पाएं? आसन गर्दन और कंधों के आसनों का अभ्यास करें। मंत्र हम का जाप विशुद्ध चक्र के लिए लाभकारी होता है। क्रिस्टल और जड़ी बूटियां, नीलमणि या ब्लू लैपिस का प्रयोग करें और काढ़ा पिएं। 6. आज्ञा थर्ड आई चक्र, माथे के बीच में स्थित यह चक्र गहरे नीले रंग का होता है और इसे अंतर्ज्ञान और आत्मज्ञान का केंद्र माना गया है। भावनात्मक प्रभाव, आज्ञा चक्र संतुलित होने पर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान के प्रति सजग होता है। इससे मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। असंतुलित होने पर भ्रम, उलझन और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। संतुलन कैसे पाएं? ध्यान और ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास, ध्यान को मस्तिष्क के बीच में केंद्रित करें। मंत्र ओम मंत्र का जाप आज्ञा चक्र के लिए अद्भुत परिणाम दे सकता है। प्राकृतिक दृश्य, खुले आसमान को निहारना या प्राकृतिक दृश्य देखना सहायक होता है। सहस्रार क्राउन चक्र, सिर के शीर्ष पर स्थित यह चक्र बैंगनी या सफेद रंग से जुड़ा होता है और इसे आत्मज्ञान, उच्च चेतना और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। भावनात्मक प्रभाव, सहस्रार चक्र संतुलित होने पर व्यक्ति अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। यह आत्मज्ञान और शांतिपूर्ण स्थिति का संकेत देता है। असंतुलन होने पर व्यक्ति को आध्यात्मिक भ्रम, अस्तित्व का संकट और अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। संतुलन कैसे पाएं? ध्यान और शांति, शांति में ध्यान लगाएं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। मंत्र ओम मंत्र का जाप सहस्रार चक्र को सक्रिय कर सकता है। सफेद रंग के फूल और वातावरण को शुद्ध रखने का अभ्यास करें। कुंडलिनी और चक्रों को संतुलित करने के लिए कुछ सरल उपाय हैं, जैसे ध्यान।
ध्यान चक्रों को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सांसों के व्यायाम, यह ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अभिनय और भावनात्मक अनुशासन, विभिन्न अभ्यास जैसे कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना। कुंडलिनी जागरण एक अद्वितीय और गहन अनुभव है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह हमें जीवन में संतुलन, शांति और समर्पण की दिशा में प्रेरित करता है। चक्रों के माध्यम से हम अपने भीतर गहराई से जुड़ सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आपको यह बताने के लिए उत्साहित हूं कि हमने दुर्गा सप्तशती पर एक नई श्रृंखला शुरू की है, जहां हम इस पवित्र शास्त्र के सभी अध्यायों को एक समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह श्रृंखला न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा को सक्रिय और पहुंचाने में भी मदद करेगी। यदि आप हमारी सामग्री का आनंद लेते हैं और हमारे चैनल का समर्थन करना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में है, और हमारी सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हों। आपका समर्थन देने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।